आज की इस कक्षा में हम गुणनखंडन के प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। और इसका पहला है 91y³ / 13y। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिखते हैं, 91y³ और ये बटा 13y। अब हम क्या करेंगे कि अंश में जो हमारा पद है 91y³, इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो 91 को करेंगे तो 7 × 13, और y³ का गुणनखंड करेंगे तो y × y × y, और ये हर में है 13y। तो ये 13 और 13 कैंसिल हो गया, ये y और y कैंसिल हो गया, तो हमारा भागफल क्या आ गया, 7y × y² अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये है 144x⁴ - 12x² तो पुनः हम पहले की तरह इसे लिखते हैं, 144x⁴ - 12x² अब यहां हम देखते हैं कि ये माइनस हर में है, लेकिन मानक रूप में हम माइनस को अंश के साथ रखते हैं, ऊपर रखते हैं। तो हम इसे पुनः इस तरह से लिखते हैं, -144x⁴ / 12x². अब हम इस अंश का हम गुणनखंड कर देते हैं। तो हम अगर 144 को गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 × 2 × 2 × 4 × 8 × 16 × 3 × 3, और ये x⁴ × x × x × x × x 4 बार है, और 12 का करेंगे तो 2 × 2 × 3, और x² × x² × x। 144 का जो हमने गुणनखंड किया, आप स्वयं से अभाज्य गुणनखंड करके आप यहां पर लिखेंगे, हमने पहले से कर रखा था इसलिए हमने लिख दिया तुरंत। तो ये दो कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, ये x, ये x, ये x और ये x, तो हमारा बच क्या गया, -2 × 4 / 12, और ये गुना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिखेंगे x² × x, 12x² तो हमारा भागफल आ गया -12x². प्रश्न संख्या 3, 28p²³ / 7pq। तो पुनः हम पहले की तरह ही इसे इस तरह से लिखेंगे, 28p²³ / 7pq। अब हम इस 28 का गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 7, 2 × 2 = 4 / 28, और p² × p × p × q, और ये बटा में हो जाएगा हमारा 7 × p × q। तो ये हम देख रहे हैं, ये 7 कैंसिल हो गया, ये p कैंसिल हो गया, ये q कैंसिल हो गया, अब हमारा क्या बच गया, 2 × 2 = 4 और ये p, तो ये हो गया 4p, तो ये हमारा भागफल आ गया। प्रश्न संख्या अब 4 देखते हैं, ये है 225x³ / y²z³/15x²y। तो पुनः हम पहले की तरह ही इसे लिखेंगे, 225x³ y²
जेड क्यूब और ये डिवाइडेड बाय 15 एक्स स्क्वायर वाई। इसे अब हम क्या करेंगे, इस तरह से 225 का गुणनखंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए 3 3 9, 9 5 45, 45 5 225, और एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई, और जेड क्यूब को जेड इंटू जेड इंटू जेड। और उसी तरह से हम हर का भी गुणनखंड कर देंगे, तो ये हर का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 5, ये 15 हो गया, और गुना एक्स गुना एक्स गुना वाई। तो अब देख रहे हैं, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, यहां ये एक्स कैंसिल कर दिए, ये एक्स और ये वाई कैंसिल कर दिए। अब हमारा क्या बच रहा है, संख्यात्मक जो गुणांक है 3 5 15, तो ये हो गया 15, और इसके बाद एक्स ये वाई और जेड, जेड गुना जेड है, तो ये जेड क्यू, तो ये हमारा भागफल आ गया। प्रश्न संख्या 5, ये है 108 m³ n² भाग 12 mn। इसे पुनः हम पहले की तरह लिखते हैं, 108 m³ एन स्क्वायर बटा 12 mn, और हम अंश का गुणनखंड करते हैं, तो 108 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 2 दुनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 108। और m क्यूब को हम लिखते हैं m इंटू m इंटू m, और n स्क्वायर को n इंटू n। अब पुनः 12 mn को लिखेंगे, 3 2 गुना 2 गुना 3, 2 दुनी 4 3 12 इंटू m इंटू n। तो ये दो कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, इधर से m, ये m और ये n, ये n, तो हमारा बच गया है 3 3 9 m² n। अब हम छठा नंबर प्रश्न ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये है -57 ए स्क्वायर बी और भाग 19 ए बी। इसे पुनः हम इस तरह से लिखते हैं, -57 ए स्क्वायर बी और बटा 19 ए बी। तो इसे हम लिखेंगे -57 को -3 × 19, तो 19 57 होता है, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए, ये अब बी, और बटा 19 × a × b। तो ये 19 और ये 19 कैंसिल हो गया, ये ए कैंसिल हो गया, ये बी कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया यहां भागफल -3 a। प्रश्न संख्या 2, इसका पहला प्रश्न ले रहा हूं, यह प्रश्न है, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए, 3a² b -6ab भाग 3ab। इस तरह के प्रश्नों को हम दो विधि से हल कर सकते हैं, मैं दोनों विधि बारी बारी से बता रहा हूं। विधि एक जो पहला विधि है, तो इसमें हम इस तरह से लिख रहे हैं, 3a² b -6ab बटा
3ab। यहां जो हर अंश है इसमें दो पद हैं और हर में एक ही पद है, तो इस एक पद से हम दो अंश के दोनों पदों में बारी बारी से भाग देंगे। इस तरह से भाग देंगे, 3a² b बटा 3ab घटाओ 6ab बटा 3ab। और अब हम ये यहां अंश को इस गुणनखंड करते रहे, तो ये 3 into a into a into b, और ये बटा में है 3 into a into b, और यह माइनस 2 into 3, ये 6 हो गया, into a into b, और बटा में 3 into a into b। तो ये 3 कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, ये b कैंसिल हो गया, ये 3 ये b। ये बराबर, तो यहां क्या बच गया है, a, और इधर बच गया है a, ये -2, ये -2, ये भागफल हमारा आ गया। अब विधि दो देखते हैं, दूसरा विधि में, विधि दो में ये जो हमारा भाज्य है 3a² b -6ab, इसका हम पहले गुणनखंड कर ले रहे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, कॉमन हमारा दिख रहा है साफ 3ab, और यहां बच गया a और यहां -2। तो अब पुनः हम लिखते हैं, दिया गया जो प्रश्न है 3a² b -6ab भाग 3ab। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 3a² b -6ab बटा 3ab। अब अंश का हमने गुणनखंड कर दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 3ab इंटू ए माइनस 2 और बटा ये 3ab। तो ये 3ab कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया a -2। आपको जो भी विधि सुविधाजनक लगे उस विधि से अन्य सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, 5x³ -15x² + 25x भाग 5x। तो इसे हम पुनः इस तरह से लिख सकते हैं, 5x³ -15x² + 25x बटा 5x। पहली विधि जो हमने बताई थी उसी से मैं इसे हल कर रहा हूं। तो ये जो हर में पद है इससे बारी बारी से अंश के सभी पदों में भाग देंगे, तो ये है 5x³ बटा 5x -15x² बटा 5x प्लस 25x बटा 5x। तो यहां 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा और ये x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा बच जाएगा x². यहां 5 से 15 कटेगा तो ये आ जाएगा 3 और ये x, और यहां से होगा तो ये होगा 5, x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा भागफल आ गया। अभी आपने देखा कि यहां पर हमने पूरा गुणनखंड करके नहीं दिखाया, तो पहले मैंने गुणनखंड करके इसलिए दिखाया था कि आप इसे सीख लें। तो अब हम थोड़ा शॉर्टकट चलेंगे। अब हम ले रहे हैं तीसरा नंबर प्रश्न, 4z³ प्लस 6z² -z डिवाइडेड बाई -2z, ये z है देखिए। तो इसे पुनः हम इस तरह से लिखते हैं, 4z³ प्लस 6z² -z बटा -2z। तो इसे फिर हम इस प्रश्न की तरह, तीसरे नंबर प्रश्न की तरह करते हैं, 4z³ बटा
माइनस टू जेड प्लस सिक्स जेड स्क्वायर बटा माइनस टू जेड माइनस जेड बटा माइनस टू जेड। मानक रूप में हम माइनस को अंश के साथ लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा माइनस फोर जेड क्यूब बटा टू जेड माइनस सिक्स जेड स्क्वायर बटा टू जेड। और ये अंश में भी माइनस है और हर में भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस जेड बटा टू जेड। तो ये माइनस है तो ये माइनस रहेगा, दो से ये चार कट गया तो दो बार में गया दो और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस वन बाई टू। प्रश्न संख्या चार, थ्री एक्स क्यूब वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिफ्टीन एक्स वाई डिवाइडेड बाई थ्री एक्स वाई। तो हमने इसे इस तरह से लिखा है थ्री एक्स क्यूब वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिफ्टीन एक्स वाई बटा थ्री एक्स वाई। हर में चूंकि एक ही पद है और अंश में तीन पद है तो तीनों पदों में बारी बारी से हम हर वाले एक पद से भाग देते हैं। तो यहां हमने लिखा थ्री एक्स क्यूब वाई बटा थ्री एक्स वाई प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई बटा थ्री एक्स वाई प्लस फिफ्टीन एक्स वाई बटा थ्री एक्स वाई। तो यहां देख रहे हैं थ्री और थ्री ये कैंसिल हो गया, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, यहां एक्स क्यूब था और बटा में एक्स था तो ये हमारा बच गया एक्स स्क्वायर। यहां दो बटा तीन है और ये वाई वाई कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर और ये बटा एक्स है तो एक एक्स कैंसिल हो गया तो बच गया टू बाई थ्री यहां एक्स हो गया। और यहां ये एक्स वाई कैंसिल हो जा रहा है और तीन पचे पंद्रह तो ये पांच आ गया तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस फाइव। अब पांचवा नंबर प्रश्न ले रहे हैं थ्री डब्लू टू द पावर फाइव प्लस ट्वेल्व डब्लू टू द पावर फोर माइनस सिक्स डब्लू टू द पावर टू डिवाइडेड बाई थ्री डब्लू स्क्वायर। तो यहां हम डायरेक्ट एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, डायरेक्ट हम भाग दे रहे हैं सभी में इससे भाजक से सारे पदों में। तो यहां हो गया थ्री डब्लू टू द पावर फाइव बाई थ्री वाई थ्री डब्लू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व डब्लू टू द पावर फोर बाई थ्री डब्लू स्क्वायर माइनस सिक्स डब्लू स्क्वायर बाई थ्री डब्लू स्क्वायर। तो यहां थ्री थ्री कैंसिल हो गया और डब्लू का पावर यहां पांच था और यहां दो तो ये हो गया यहां तीन तो ये W टू द पावर थ्री हो गया और यहां तीन से ये बारह कटेगा तो चार आ जाएगा और ये W टू द पावर फोर बाई W टू द पावर टू तो ये हो जाएगा W टू द पावर टू और यहां हो गया ये W स्क्वायर कट गया तीन दूना छह तो हमारा आंसर आ गया W टू द पावर थ्री प्लस फोर W स्क्वायर माइनस